हेलो व्यूवर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी। इसको हम बहुत से लोग मीठे चावल भी कहते हैं, कुछ मीठे पुलाव कहते हैं। वैसे हम लोग तो इसे जर्दा के नाम से जानते हैं। तो इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए बस हमें चावल और चीनी जो मेन चीज़ें हैं यही ज़रूरत होती हैं। तो बस अब हम चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकेंगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने सबसे पहले ये चावल लिया है। चावल इस कप से हमने एक कप लिया है, तकरीबन अगर हम वेट करेंगे तो 300 ग्राम के आसपास चावल होंगे ये। और जिस कप से हम चावल लेंगे उसी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में ही हमें चीनी भी चाहिए होगा। तो ये चावल को हमने धो के 10 मिनट के लिए सोक कर दिया था। अब हम गैस पे पानी रखेंगे बॉयल होने के लिए। पानी हमने 5 कप उसी कप से ले लिया है। पानी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें चावल ऐड कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ये हमारा फूड कलर है येलो, ये हम डाल देंगे। आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं। कलर थोड़ा अच्छे से ही जाएगा तभी चावल में हमारा कलर आएगा। आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला एक ये स्वीट डिश है। अगर कोई अचानक से आपके घर पे आ रहा हो ना, आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ घर में चावल और चीनी तो हर किसी के पास होते हैं, तो ये फटाफट से बन जाता है। तो अब हम इसको बॉयल आने देते हैं। उसके बाद हमें इसे पकाना है तकरीबन। अब ये देखिए चावल तकरीबन हमारे हो गए हैं। इस तरह से हम दबा कर देख लेंगे इन चावलों को। ये देखिए बिल्कुल करीब करीब पूरे ही पक जाने चाहिए, वरना अगर हम इसको अगर चावल पूरी तरह से नहीं पकेंगे और अगर हम इसमें चीनी डाल देंगे तो ये चावल हमारे ऐड जाएंगे। तो बस अब इसका जो पानी है हमें इसको पूरा निकाल लेना है। हम वापस से पतीली कढ़ाई या कुछ भी गैस पे रखेंगे। इसमें हम अच्छे से घी डालेंगे। ये देसी घी में ही बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी में ही बनाने से। तो इसमें हम तकरीबन 5 टीस्पून घी डाल देंगे। तो हरी इलायची और 4 लौंग लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने चावल पका के रखे थे और इसके ऊपर हम इस तरह से फैलाकर चीनी डाल देंगे। कोई चाशनी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे ही चीनी डाल देंगे। हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि ये जो हमने चीनी डाली है ना ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। देखते हैं, देखिए चीनी हल्की मेल्ट हो गई। हम इसे एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि हर साइड इसमें चीनी चली जाए। पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने आप इसमें से देखिए पानी निकल रहा है, इसमें से अपने आप ही पानी रिलीज होता है। आपको बिल्कुल गीला सा लग रहा है ना, जब पक जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें ही अब इसी टाइम पे हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं हम वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये हमने इसमें थोड़े काजू बादाम और ये हमारे पास जो मगज़ होता है वो है, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो हम ये डाल देते हैं। और बस अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी जस्ट ना वो इन ड्राई फ्रूट्स में भी आ जाए आपको। और अब बस ये हमने चला दिया है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर दिया हमने। और अब वापस से इसमें हम लिड लगाएंगे और लिड लगा के लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और बस ये जो चीनी हमने देखी इसमें डाली थी ये देखिए अब ड्राई हो गई है, हल्की सी है अभी। जब ठंडा हो गया तो ये बिल्कुल चावल बिल्कुल खिले खिले से हो जाएंगे। अभी आपस में चावल चिपके हुए हैं क्योंकि गर्म है, जब ठंडे होंगे तो ये बिल्कुल आपस में तो ये खिले खिले से हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम अगर आपके पास मावा है तो डाल दें, नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारे पास मावा था तो हम इसके ऊपर मावा डाल देते हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको जैसे चाहें आप वैसे आप इसको गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।